सर तो क्या समस्या आपकी? सर समस्या यह है कि हम ये 5 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं पीपी मोड में और अचानक से पीपी मोड से हट गया और हम लोग बेरोजगार हो गए। हमने कोरोना काल में यहाँ पे ड्यूटी की, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए। क्या मांग है आपकी? सर हम यहाँ पे जब पीपी मोड में ये हॉस्पिटल गया था तो हमें रखे गया था, और उसके बाद जो है तो हमने उसके बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में आके अपने बच्चों को छोड़ के अपनी जिंदगी कुर्बान करके हमने इस हॉस्पिटल से होती है, ठीक है। आज हमें जो है तो निकाला गया। मांग क्या आपकी? हमारी मांग है जितने लोग यहाँ पे पहले से कार्यरत थे उनको यहीं बाहर किया जाए, आउटसोर्सिंग से कहीं से भी बजट हो जाने। लेकिन जब पहले ही व्यवस्था चल रही थी, पहले सरकारी पैसे दे रही थी, आज क्यों नहीं दे सकते? उस समय उन्हें 70 लोग चाहिए थे, आज वो बोलेगा आप 10 लोग लेंगे तो उस समय 70 लोग कैसे चाहिए थे उन्हें? क्यों लिए उन्होंने उस समय 70 लोग? अरे वही बीजेपी सरकार ने उस समय इसको पीपी मोड़ दिया, उसी ने हटाया। अरे इसमें सारा दोष हमारे क्षेत्र विधायक का है, सारी भूमि के क्षेत्र विधायक क्या है हटाने में इसको। जो ये लोग जो बाहर बैठे हैं वो जॉली ग्रांड के द्वारा आउटसोर्स पे हायर किए गए थे। अब जॉली ग्रांड की जब यहाँ सेवाएं समाप्त हो गई हैं तो उनको उन्होंने नोटिस देके निकाल दिया गया है उनको, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है, वो आउटसोर्स के माध्यम से उन्हीं के द्वारा रखे गए थे।